भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष के पद पर शिमला लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप जी को मनोनीत किया है। मैं सुरेश कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। सुरेश कश्यप जी बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए आगे बढ़े, BDC के सदस्य और उसके पश्चात संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में भी वो अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। अभी जो दायित्व दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष का, वो स्वाभाविक रूप से कई तरह से महत्वपूर्ण है। उसमें विशेष तौर से एक तो अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता को पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त करना, ये एक बहुत बड़ा सम्मान उस वर्ग के लिए भी है और प्रदेश के लिए भी है। दूसरे, सांसद के साथ साथ में श्री सुरेश कश्यप जी शिमला लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए और सांसद के साथ साथ में एयरफोर्स में अपनी सेवाएं देने के पश्चात सेवानिवृत्त एक सैनिक होने के नाते भी ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ा है। अच्छे पढ़े लिखे हैं, MPhil तक उनने पढ़ाई की है और उसके साथ साथ में एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और पार्टी के इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन वो बखूबी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में पार्टी मजबूत होगी। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में फिर हम सत्ता में लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से सुरेश कश्यप जी को और पार्टी के हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई।